आज है 13 दिसंबर, तो हम लोग हैं होटल रूम में, मैं रेडी हो गया हूँ, दक्ष रेडी है। तो भाई अक्ष की जो क्लास चल रही है, तनु और अक्ष दोनों। हाँ, क्या मस्त व्यू है बाहर का भाई, धूप निकली हुई है। वो उधर कोने में अपनी गाड़ी खड़ी हुई है, दिख रही है? नहीं दिख रही, चलो नीचे चल के दिखाते हैं आपको। तो बस दक्ष जल्दी रेडी हो जाओ यार, क्यों इतना टाइम ले रहे हो भाई? तो बस आप लोग रेडी हो, फिर चले फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं यार, फिर निकलना है जल्दी से। नॉर्मली जो तुलसी होती है, राम तुलसी, श्याम तुलसी, आप लोग के हम लोग घरों में देखने को मिलती है। ये वन तुलसी केवल आपको ब्रज मंडल के अलावा अन्य कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये केवल आपको ब्रज में नंदगांव, गोकुल, बरसाना, बावन, इन्हीं जगहों पे देखने को मिलेगी, इसलिए इसको वन तुलसी बोलते हैं। 1500 इसमें पत्तियां भी डिफरेंट है, सब चीज ही डिफरेंट है। जितना ये ऊपर है ना, उसे दिगना चौगना अंदर में है। अच्छा, हाँ, उसे अंदर में है, तभी तो मैम कि यहाँ पे घरों में नहीं होता है। बहुत से लोग इसका पेड़ अपने घर पे ही लेके गए हैं, लेकिन वहाँ पे होता नहीं है, कारण ही नहीं है। इतना जड़े थोड़ी फैल पाएगी। दूसरा दशंग इसमें आज भी 16108 गोपियों के साथ महाराज किया था भगवान ने। 16108 कौन थे? 16000 तो ऋषि थे जिन्होंने युगो तपस्या करी कृष्ण के साथ रास करने के लिए। 16000, 100 वो रानियां थी जो उन्होंने भगवान ने जीती थी, युद्ध में जीती थी, और 8 उनकी पटरानियां थी, 8 उनकी पटरानियां थी, तो 16108 इसलिए बोला जाता है उनको। उधर में 16108 गोपियों के साथ महारास हुआ था, रानी पटरानी बोली जाती। शादी तो उनके साथ हुई थी, शादी हुई थी भगवान श्री कृष्ण की और राधा की के अंदर विवाह हुआ था भांडेरवन में, जो ब्रह्मा जी द्वारा करवाया गया था, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के द्वारा। कभी भांडेरवन जाने का मौका मिले, यमुना पल्ली पार है भांडेरवन। हर किसी को नहीं पता कि राधा कृष्ण की विवाह हुआ, लेकिन जिसको पता है वो जाता है भांडेरवन, होके भी आता है भांडेरवन में। राधा कृष्ण एक दूसरे को साथ माला वरमाला पहनाते हुए, और ब्रह्मा जी वही पंडित के रूप में विराजमान है। इधर में जो रास हुआ, आज भी इस रास के टाइम में रात्रि में रुकना अलाउड नहीं है। ऐसी बात नहीं है आजू बाजू घर बने हुए हैं, ये देखते नहीं होंगे, रात में छतों पे नहीं आते होंगे। रात में सभी छतों पे भी आते हैं गर्मियों के टाइम में, नीचे भी देखते हैं, लेकिन क्या रात्रि के टाइम में अंदर में चींटी भी अपने बिल में चली आती है, परिंदा भी ऊपर से पर मार के नहीं जा सकता है। ये नहीं पूरी रात ठाकुर जी रास करते हैं, आज भी ठाकुर जी आते हैं, केवल क्षण दो क्षण के लिए आते हैं, केवल क्षण दो क्षण यानी मिनट दो मिनट के लिए भगवान आते हैं। भगवान आज भी जिन लोगों ने रुकने का प्रयास किया, यहाँ पे जो पूरी रात रुके थे, आगे मैं उन लोगों की समाधियां दिखाऊंगा जिनकी समाधियां बनी हुई है। जैसा कि हमारे बड़े भैया ने बताया, गौरव जो आया था यहाँ पे, आया था, आया भी था और चला भी गया। यदि वो कुछ समय और रुकता ठाकुर जी, फिर उसके हाथ तो फिर भगदादा रानी ही मालके ने आके। वृंदावन में वैसे तो 5500 मंदिर है, मेन मंदिर है जिनके केवल 3। पहला बोला जाता है वृंदावन बिहारी का मंदिर, दूसरा बोला जाता है बांके बिहारी का मंदिर, और तीसरा बोला जाता है ये निधवन जंगल। जिस निधवन जंगल में से स्वामी हरदास जी ने दोनों मूर्तियां वृंदावन बिहारी और बांके बिहारी को प्रकट किया। ये दोनों मूर्तियां किसी कारीगर ने नहीं बनाई, बड़े भाई और सिर्फ छोटे भाई को प्रकट किया स्वामी हरदास जी ने। उससे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसका घर परिवार बसे, और जो वृंदावन में रूबे अपने नैना खूबे, और जो वृंदावन बजाए ताली उसका हाथ कभी न हो खाली। इसलिए वृंदावन में ताली बजाते क्यों? क्यों भगवान श्री कृष्ण गोकुल से आते थे गाय चराने के लिए, 80 कुर्सी आते थे, 80 कुर्सी जाते थे। आप लोग तीर्थ में इतना किराया भाड़ा खर्चा करके आते हो, किसके लिए आते हो? आनंद के लिए। इसलिए भगवान के सामने जितना हंसते हैं, क्योंकि भगवान कब खुश होता है? जब उसका भगत खुश होता है। इसलिए सभी को ऐसा जाता है नगरी में, बोलो राधा रानी की जय, बजाओ राधे राधे। ये आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे जो वृक्ष हैं, एक ही पेड़ में से 2 तने निकले हुए हैं। एक तना थोड़ा मोटा दिखेगा और दूसरा तना थोड़ा पतला दिखेगा। आपको एक नहीं, 80 पेड़ देखने को मिलेंगे, एक मोटा और एक पतला। एक गोपी है और एक कृष्ण है। 16 आप पीछे होके रहिए जाली से, बंदा चश्मा खींच लेकर हाथ डाल के, इसलिए तो इधर में जो रास हुआ था, इसलिए 1.5 पेड़ एक मोटा है और एक पतला दिखने को मिलता है। ऐसे
होगा अपने एक प्राण दो देही और राधा कृष्ण स्नेही, नाम अलग अलग है, शरीर अलग अलग है, राधा के बिना कृष्ण अधूरा, कृष्ण के बिना राधा दूरी। ये ऐसे वृक्ष हैं यदि गलती से एक को भी काट दिया जाए तो दूसरा अपने आप ही मर जाता है। भी हम बता दूं आपको जानकारी, ये कुंडे का नाम बोलते हैं ललिता कुंड। राधा रानी की सखी थी ललिता जी, नाम सुना होगा ललिता जी के बारे में। तो राधा रानी की सखी ललिता जी, जिनको रास के दौरान लगी प्यास, प्यास लगी रास के दौरान, तो कन्हैया से बोली ललिता जी की, कन्हैया हमको जलपान करना है। तो कन्हैया ने बोला यमुना जी पे जाओ, वहाँ पे जलपान करके आओ। तो ललिता सखी बोली कन्हैया वहाँ का जल तो विषैला है, वहाँ पे कालिया नाग का कब्जा है, जिसके कारण वहाँ का जल विषैला हो गया। हमारी कितनी गाय ग्वालाओं की मृत्यु हो गई, यदि हम माँ का जलपान करेंगे हमारी मृत्यु हो जाएगी। तब भगवान ने अपनी प्रश्नों से कुंड खोदा और कुंड का नाम ललिता कुंड पड़ गया। तो मुख से बोलो राधा रानी की, बोलो ललिता सखी की, राधे हो जाओ राधे राधे, मुख से बोलो राधे राधे, मुख से बोलो ऐसे में आओ। ये जो कुंड है ललिता कुंड, ये स्वामी हरदास जी द्वारा 12 वर्ष भजन करने के बाद इधर से दो मूर्तियां प्रकट हुई, वृंदावन बिहारी और बांके बिहारी। बांके बिहारी हरदास जी की गोदी में बैठे हुए हैं, अभी अंदर जाके देखोगे गोदी में जो विराजमान है बांके बिहारी और राधा रानी, और बराबर में जो मूर्ति खड़ी हुई है वो वृंदावन बिहारी ब्रज के राजा दाऊ जी। ये दोनों विग्रह किसी कारीगर ने नहीं लाए, स्वामी हरदास जी भगवान का पूरा श्रृंगार का सामान रात्रि में भगवान के बेड पे रख दिया। सामने में देखो लोटा दिख रहा है आपको, लोटा दिख रहा है, वो लोटा भर के जल लग दिया और 7 ताले लगा दिए जाते हैं दरवाजे पे, उस पार दरवाजे के उधर पे 7 ताले लगते हुए दिख रही है आपको, 7 ताले लगा देते हैं। पानी में बह जाता है, कल भी ऐसा हुआ, आज भी हुआ, कल भी होगा, क्या जवाब दो घर वालों को? दयारी दया जादूगर ने ऐसा जादू किया है, चाहे पनघट हो, माताएं घर से बाजार से सिंगार लाई हैं, अभी आ जाना पता क्यों? चौबारा हो एक की धुन है, मन का मोरिया यही गाता है, कन्हैया कन्हैया। वृंदावन में 5,500 मंदिर होने का कारण बताओ कि वृंदावन में 5,500 मंदिर क्यों होने गए? देखो नंदगांव है, गोकुल है, बरसाना है, महावत है, पूरा ब्रज मंडल में सभी जगह 3-3, 4-4, 5-5 मंदिर, लेकिन वृंदावन में कितने? 5,500 मंदिर। कारण क्या है कि वृंदावन को बोलते हैं नाम का नगरी, माता पिता कि चलेंगे वृंदावन धाम, करेंगे माता पिता का अमर नाम, और माता पिता अपने संतान से की आशा करता है, सुपात्र हुआ तीर्थ में यात्रा, तीर्थ में नाम करे, पात्र बेटा बेटी तीर्थ में नाम करता है, कुपात्र बेटा बेटी दारू को कोर्ट कचहरी में नाम करता है। फॉर एग्जाम्पल जो आज बांके बिहारी का जो मंदिर कलकत्ता का रहने वाला धर्मूलाल, उसने उनवाया माता के नाम से, उनवाया पिता के नाम से नहीं उनवाया। क्यों? पिता को तो उसने वृंदावन में सशरीर यात्रा कराई, सशरीर वास कराया, माता को नहीं करा पाया, तो माता के नाम से मंदिर उनवाया, माता को नाम से यात्रा, नाम से वास कराई। सामने में बाहर निकलेंगे गो टेढ़े खंबे वाला मंदिर, लखनऊ के रहने वाले दो भाई थे, साहब कुंदन लाल, साहब कुंदन लाल, दोनों भाइयों ने अपने माता पिता के नाम से मंदिर बनवाया, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर का, जितने भी मंदिर हैं इंस्टॉल कहा जाए सभी राजा वहाँ सिट लोगों द्वारा बनवाए गए अपने माता पिता के नाम से। क्यों? क्योंकि तो वृंदावन को माता पिता का नगरी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा को लेकर 4 धाम यात्रा करने गए, माता पिता को लेके नहीं गए। तो माता बोली लाला कन्हैया तूने भाई बहन को तो यात्रा करा डाली है, तेरे माता पिता बैठे हुए इनको यात्रा नहीं कराएगा? तो कन्हैया ने बोला मैया मुझे और आने वाले भविष्य कलयुग को श्राप लगा हुआ है, जिसके कारण भविष्य में कलयुग में भी कोई बेटा बेटी अपने माता पिता को यात्रा नहीं करा पाएगा 4 धाम, जिसका चमत्कार आज हम लोग प्रेजेंट में भी देख रहे हैं।
यदि किसी के पास पैसा होता है ना, समय नहीं है, समय है तो फिर पैसा नहीं, और समय पैसा दोनों है तो उसके पास चार धाम करने के माता पिता नहीं है, यदि माता है तो फिर पिता नहीं और पिता है तो माता नहीं, और माता पिता दोनों है, रुपया पैसा समय सब कुछ है तो बेटा बेटी सुवर्ण कुमार जैसा नहीं है जो अपने माता पिता को स्वयं लेके जाए चार धाम की यात्रा करे। चार धाम का मतलब क्या होता है? चार धाम करने का मतलब होता है कि हमने चार युगों की यात्रा कर ली, इसको चार धाम बोलते हैं। अब जो भगवान नहीं करा पाए तो हम कहां से करा सकते हैं? तो भगवान ने अपने माता पिता के लिए ही ब्रज में चार धाम बसाए, जिसको आज हम यदि अपने नाम सुनाओ 84 कोस के बारे में, तो 84 कोस की यात्रा करने से पहला तो चार धाम की यात्रा का फल प्राप्त होता है और दूसरा 84 लाख योनियों से मुक्ति प्राप्त होती है। कहते हैं कि मानव योनि में एक बार 84 कोस की यात्रा जरूर करनी चाहिए, वो यात्रा करने से हमको 84 लाख योनियों से मुक्ति प्राप्त होती है। एक कोष में 1 लाख योनि, 84 कोष में 84 लाख, क्योंकि मानव योनि ऐसी है जिसमें भगवान ने सोचने की, समझने की और उसको करने की शक्ति दी है कि ऐसा सोचे, ऐसा समझे और ऐसा करे कि जिससे हमको दोबारा योनि भटकना ना पड़े। और जो समझ जाता है, सोच लेता है, कर लेता है, वो तो मुक्ति मिल जाए, नहीं समझता है, नहीं करता है तो जगह जगह भटकता तो रहता है, मुक्ति नहीं मिलती। तो इसलिए मुक्ति के लिए 84 कोस की यात्रा बताई गई। लेकिन सर 84 कोस की यात्रा करने का मतलब मैम 30 से 40 हजार रुपये खर्चा करना। अब जिसके पास है वो तो कर लेगा, जिसके पास नहीं है वो कैसे करे? तो इसलिए अपने माता पिता को वृंदावन में लाते हैं, वृंदावन की यात्रा कराते हैं, वृंदावन बिहारी बलराम दाऊ जी का दर्शन कराते हैं स्वयं को और अपने माता पिता को, तो अपने आप को और अपने माता पिता को चार धाम 84 कोस की यात्रा का फल प्राप्त कराते हैं और वृंदावन के बने हुए 5.5 मंदिर की दर्शन यात्रा तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त कराते हैं उसे एक मार दर्शन का। तो आगे मैं उसी का दर्शन कराऊंगा, ब्रज के राजा जो बोले जाते हैं, जिसके मार दर्शन करने से हमको भी और परिवार को भी 5.5 मंदिर की यात्रा का फल प्राप्त होता है। क्यों होता है उसके बारे में जानकारी आगे बताऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, माता पिता गुरुदेव की और ताली बजाओ। सेवा करो, दान करो थोड़ा बहुत, थोड़ा घंटा करो सेवा करो, दान करो थोड़ा बहुत, जो भी आपकी इच्छा होना दादा ने कहा सुबह लोग लेन से सेवा देना चाहिए, सेवा करिए लेन करो दान करो राधा रानी का तो अपने मन से राधे राधे बोल रहे हैं। बेकार लगा है ये उन लोगों की समाधि है जिन्होंने यहाँ पे रात में रुके थे पूरी रात, और सुबह आके जब दरवाजा खोला तो लाश पड़ी हुई थी उन लोगों की, डेड बॉडी। साथ है केवल साथ, साथ है लाइन लगा के साथ लोगों की। अब अंदर में मैं दर्शन कराऊंगा स्वामी हरदास जी की समाधि का दर्शन है। स्वामी हरदास जी ने प्रकट किया बांके बिहारी को, यहाँ पे हरदास जी ने समाधि ली, स्वामी हरदास जी की समाधि का दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण जब अपने ग्वाल वालाओं के साथ माखन चुराने जाया करते थे, ग्वाल वालाओं के साथ कौन जाया करता था? बंदर। भगवान श्री कृष्ण चले गए, ग्वाल वाला भगवान के रह गए बस, और बंदर रहे। अब पहले तो ग्वाल वाला को कन्हैया खिलाया करता था, लेकिन आदत बंदरों में वही है लूटने वाली, तो इसलिए आज भी लूट लूट के खा रहे हैं। आपका जिस्मा लूटते हैं तो आप उनको फूटी देते हो, तो कलयुगी माखन खा रहे हैं इस समय बंदर। कलयुगी माखन क्या है आप लोगों के लिए?
रूटी बना हुआ है। देखो 9 लाख गाय थी, इतनी 9 लाख गाय होने के बावजूद दोनों भाइयों ने कभी अपने घर का मक्खन नहीं खाया। क्या खाया? चुरा चुरा के मक्खन खाया, अपने घर नहीं खाते थे। यशोदा मैया बोलती, लाला तुम दोनों भाइयों घर में 9 लाख गाय हैं, इतनी गाय पूरे ब्रज मंडल में किसी के यहाँ नहीं है, तो इतना मक्खन किसी के यहाँ नहीं बनता, इतना तुम दोनों भाइयों के यहाँ मक्खन बनता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, मैया बोली, लाला अपने घर का मक्खन क्यों नहीं खाता है? अपने घर का मक्खन खा, इन गोपियों का तू मक्खन चुराता है, गोपियां ताना मारती है, शिकायत करती है, उलाहना देती है मेरे को, मैया तेरा लाला नहीं संभलता है, तेरे पे तेरा लाला बिगड़ गया, हमारे घर में नुकसान करने आता है, मटकी फोड़ के चला जाता है, इतना शौक है तो अपने घर का मक्खन लुटवा। मिया बोला, मैया मैं हर गोपी का मक्खन नहीं खाता हूँ, मैं उसी गोपी का मक्खन खाता हूँ जिस गोपी के मन में मेरे प्रति प्रेम होता है, जो गोपी छलकपट करती है मेरे प्रति, उसकी मटकी फोड़ के आता हूँ, उसका मक्खन जूटा नहीं करता। और बहुत सी गोपियां ऐसी थी जिनको पता था कि इस गली में जाएंगे यहाँ कन्हैया मिलेगा और हमको मटकी फोड़वाने में आनंद आएगा। सुना होगा यदि आपने दोहा कि चल सखी वहां जाइए, जहाँ विराज ब्रजराज गोरस बेचत हरी मिले, और एक पंथ दो काज, गोरस भी बिक जाएगा हमारा और हरी के दर्शन में हो जाएंगे, तो यानी एक पंथ दो काज हो जाएगा हमारा। तो कन्या भी उसी गोपी का मखन खाता था जिसकी उन्हें प्रेम होता है, जो छल कपट अहंकार करती थी, बचा के लेके जाती थी, अरे कन्हैया नहीं दिख जाए मटकी को बचाना है, ये मटकी तो तोड़ देता था, मखन नहीं खाता था। और जिसके मन में प्रेम था कि यहाँ कन्हैया मेरे को मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा है, नहीं चल मिल रहा, तो उसकी गली में जाकर के सामने जाऊंगी, मटकी फोड़ूंगी, मेरा कन्हैया खाएगा मखन, वो गोपी इसलिए आती थी, हमारे घर में तो मक्खन बन भी रहा है, बिक भी रहा है, थोड़ा बचा कन्हैया को लेकर चलती है। तो आज भी दर्शन करने के लिए सैकड़ों भगत आते हैं, यदि सैकड़ों आ रहे तो सैकड़ों आज भी ठाकुर जी अभोग ला के नहीं, आज भी ठाकुर जी भी लेता हूँ उसी से जिसके मन में गोपी ऐसा भाव होता है। तो अभी कौन से मंदिर जा रहे हैं हम? अब हम चल रहे हैं वृंदावन बिहारी बलराम दाऊ जी महाराज का मंदिर। अच्छा आ गया। तो मैम सारे मंदिर नियर ले रहे से, मैं जाना बेकार है वॉकिंग का डिस्टेंस है, इसलिए हम तो आपको पूरे वृंदावन ब्रज मंडल आपको पैदल पैदल घुमा देंगे, और आपको पता भी लगेगा कि आपके 10 से 15 मंदिर हो गए एक दिन में, 15 मंदिर करा सकते हैं पैदल। और प्राचीन यहीं पे आके पूर्ण मानी जाती है, किसी कारणवश 84 कोस यात्रा नहीं करा पाता है, न कर पाता है, एक माँ दर्शन स्वयं करके जाता है, अपने माता पिता को करवाता है, अपने आप को परिवार को 4 धाम 84 कोस की यात्रा का फल प्राप्त कराता हूँ। जो मैंने बोला आज वृंदावन हमें 5.5-6 मंदिर केवल हाथ जोड़ के दर्शन करने के लिए, ये भोग लगा के आते हैं स्वयं का, अपने माता पिता के नाम से, परिवार के नाम से, बच्चों के नाम से भोग लगाते हैं, प्रसाद घर के लिए लेके जाते हैं। प्रसाद का मतलब क्या होता है? ब्र माने प्रभु, सा माने साक्षात, माने दर्शन, प्रभु के साक्षात दर्शन करने का फल प्राप्त होता है उन लोगों को, जिन लोगों को आप लोग यहाँ का प्रसाद वितरण करते हैं। किन के द्वारा होता है? आप लोगों के द्वारा, क्योंकि प्रसाद आप लोगों ने वितरण किया है। जूता चप्पल है साइड से खोल देना, चढ़ाने के लिए भी आप लोगों को माला पुष्प लेना हो तो माला पुष्प ले सकते हैं। सबसे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बजाओ राधे राधे, मुझसे बोलो राधे राधे। ये लोग शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, इनके पास टाइम नहीं होता है निधवन जाने का, हमें जो निधवन में नहीं जा पाते, बहुत से तो ऐसे ही यात्री पंडित आते हैं घंटे भर के लिए। हमने कितने लोग ऐसे को घुमाए, यात्री को लोग बोलता पंडित हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम जल्दी जगह जा सकते, हमको तो केवल मेन मंदिर दिखाओ, इसका हमको दर्शन कर लें, हमको सभी मंदिरों का फल प्राप्त होगा, ऐसा तो कोई मंदिर होगा? बोलते हैं इधर लेके आते। अब वो बोलते निधवन कैसा होगा पंडित जी, तो उस निधवन में क्या लीला होती है? तो निधवन के बारे में यहाँ से बताते हैं, निधवन में भगवान ने ऐसे 16,000 गोपियों के साथ वास किया था, 6 महीने एक रात्रि बनाई, यहाँ पे भगवान ने महारास किया, इसी रास को देखने के लिए भोलेनाथ आए थे, अंदर नहीं आए दिया गोपियों ने, तो भगवान को गोपी बनना पड़ा, नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव, तो गोपेश्वर महादेव नाम पड़ा। और देख लीजिए ऑल लैंग्वेज ऑल कंट्री का स्टोन देखने को मिलेगा, देश से लेके विदेश तक का देखने को मिलेगा, दिखाने की लगा हुआ, ये है वो बेटा बेटी जो आज अपने माता पिता को वृंदावन धाम में शरीर से यात्रा शरीर से वास नहीं करा पाते, और इतने बड़े बड़े मंदिर देवालय नहीं बना सकते, कोई नहीं बनवा सकता, देखिए कितना भी होगा वो इतने बड़े बड़े मंदिर देवालय नहीं बना सकते। तो अपने माता पिता के नाम से एक मन का मंदिर उठा के जाते हैं कि चलेंगे वृंदावन धाम करेंगे, माता पिता का मन नाम
दोनों के माता पिता, पत्नी और पति, दोनों के माता पिता का नाम भगवान के चरणों में आजीवन अमर हो जाता है। घर में सुख शांति समृद्धि और सबसे बड़ा निरोगी काया। सबसे बड़ी सुख कौन सा होता है? निरोगी काया। इससे बड़ा सुख दूसरा संसार में कोई नहीं है कि जिस मनुष्य की काया निरोगी रहे वो सबसे ज्यादा सुखी रहता है। तो निरोगी काया के लिए भगवान के चरणों में आजीवन अमर होता है। निरोगी काया कैसी रहती है? देखिए तीन चीज, ये तीन चीज ऐसी है जो भगवान के समय की है। पहला है गोवर्धन पर्वत, जो द्वापर में था, भगवान श्री कृष्ण ने कन्नी मुनि से उठाया तो आज भी हम लोगों को दिखने को मिलता है गिरिराज जी में। दूसरा है रज की रज यानी मिट्टी पूरे ब्रजमंडल की। और तीसरा यमुना का जल। ये तीन चीजें जो उस समय थी आज भी है, उससे चौथा कुछ नहीं था। पहला तो दीदी इधर में आओ, लेफ्ट साइड में, पत्नी बन के नहीं राधा बन के आई हो। पत्नी बन के आती तो साथ पे होती, राधा बन के आई इसलिए क्योंकि वृंदावन में पति पत्नी भाव नहीं आया, राधा कृष्ण का भाव। पति पत्नी का भाव होगा गर्भपड़े में कलेश होगा, और राधा कृष्ण का भाव होगा गर्भपड़े प्रेम बना रहेगा। और वृंदावन हमें प्रेम की नगरी, राधा कृष्ण की नगरी। राधे राधे बोलो, पहले एक गिरिराज जी का परिक्रमा लगाओ, माता पिता दो दिन से परिक्रमा लगाओ, राधे कृष्ण परिक्रमा लगा लीजिए। वैसे भी दोनों बच्चे प्रोग्रेस करके उन्नति करके नेक्स्ट टाइम राधा रानी बुलाए आप लोग, तो बच्चे तो हाथ लगाएंगे नीचे और आप लोग लगाओगे। तो गाइस पूजा करके अब घर की तरफ निकल पड़े हैं, दिल्ली जा रहे हैं वापस। तो मज़ा बहुत आया, बहुत अच्छा ट्रिप था। तो मैं आपसे ये भी एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि सुबह 8 से लेके 12 बजे तक और शाम 4 से लेके 9 बजे तक मंदिर ओपन रहते हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें, कोई भी आए तो उसको तकलीफ़ ना हो। निधिवन मतलब सुबह 8 से लेके रात के 9 बजे तक ओपन रहता है, निधिवन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जितने भी मंदिर हैं वो दोपहर में 12 बजे से लेके 4 बजे तक बंद रहते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और बहुत मज़ा आया, अमेजिंग ट्रिप था। ये सारा कुछ आपको संग शेयर किया क्योंकि मुझे लगा कि ये शेयर करने वाली चीज़ें हैं। सारे लोग यहाँ पर नहीं आ पाते हैं तो उन सब तक ये नॉलेज पहुँचनी चाहिए, जो भी हमारे कृष्ण जी की बातें थी। तो वो सारी आप तक पहुँचाने के लिए मैंने पूरी कोशिश की और आप तक पहुँचाया भी है। और कहीं पर भी कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। बहुत मेहनत करते हैं वीडियो को बनाने में, मैं चाहूँगा कि आपका पूरा सपोर्ट हमें मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आती है मेरी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें। कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम लगती है आपको, कोई बात मुझे बताने वाली है या सिखाने वाली है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने सोचा कि आप तक जितना हो सके सारी बातें पहुँचें, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं की। इसको कोशिश किया आपको एज इट इज़ ओरिजिनल वीडियो पहुँचाने की। और गाइस बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ और थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ कि लास्ट वीडियोस में मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ आप लोगों की वजह से आ रहे हैं, आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है, लाइक्स भी आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़। तो अब इस वीडियो का करता हूँ अंत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ओके बाय।